हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव करते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 nm। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितनी क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काली। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.5%। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण को ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? सोन नदी घाटी। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? 19.27। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.60 भौगोलिक क्षेत्र। बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना % वन है? तो 60.11। भारत के किस राज्य में वन का अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तो 3 वर्गों में। 1951 से 80 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो 26,200। AFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? मयूर। चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर में। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? मगरमच्छ। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? लोहा। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100। कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैंगनीज। कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 20। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैंगनीज। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर।
किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? दिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। भाखड़ा नलगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्यों प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भारत में किस खनिज का अभाव यानी कमी है? तो लेड का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? अभ्रक से। लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। एशिया का पहला निर्यात समंदर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? भाखड़ा नानगल बांध से। सबसे घटिया कोयला है पीट। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। 11 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से सभी। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो में। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण कार्य केंद्र कर रहे हैं? 18।